हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सरवान खट्टक एंड यू आर वाचिंग लर्न इंग्लिश इन उर्दू विद सरवान। फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश लैंग्वेज का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं, कंडीशनल सेंटेंस। फ्रेंड्स, कंडीशनल सेंटेंस इंटरेस्टिंग कुछ इस तरह से है कि ये इस सेंटेंस में कुछ इस तरह के सेंटेंसेस भी आगे आएंगे कि जिसमें स्ट्रक्चर जो होगा वो तो इस्तेमाल किया गया होगा पास्ट का, लेकिन उससे मीनिंग जो है वो या तो प्रेजेंट के लिए जा रही होगी या फिर फ्यूचर के लिए जा रही होगी। तो फ्रेंड्स, ये सेंटेंसेस किस तरह के होते हैं कि जिनका स्ट्रक्चर जो है वो पास्ट का होता है लेकिन मीनिंग उनसे प्रेजेंट या फिर फ्यूचर के लिए जा रही होती है, ये तो हम आने वाले लेसन में पढ़ेंगे। आज की जो वीडियो है इसमें हम सिर्फ समझेंगे कि जो कंडीशनल सेंटेंस है असल में ये होता क्या है, यानी कि एक मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन लेंगे हम कंडीशनल सेंटेंसेस का, और फिर इस इंट्रोडक्शन की मदद से हम आने वाले दिनों में मुख्तलिफ किस्म के जो कंडीशनल सेंटेंसेज है वो हम समझेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू द कंडीशनल सेंटेंस। अच्छा फ्रेंड, पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस कहते किसको हैं। बड़ी मुख्तसर सी इसकी डेफिनेशन है, कंडीशनल सेंटेंस ऐसे जुमले को कहते हैं जिसमें कोई शर्त पाई जाए। वेरी सिंपल फ्रेंड, आप जानते हैं कि लव्स कंडीशन का मतलब होता है शर्त, कंडीशन का मतलब हालत भी होता है, लेकिन हमारे इस जो डेफिनेशन है ये जो आज हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं इसके हिसाब से अगर हम देखें तो कंडीशन का मतलब होता है शर्त, तो कंडीशनल का मतलब हो जाएगा शर्तिया। तो इसी तरीके से कंडीशनल सेंटेंस का मतलब हो जाएगा शर्तिया जुमला, यानी ऐसा जुमला कि जिसमें किसी किस्म की शर्त पाई जाए। तो फ्रेंड्स, डेफिनेशन क्या है हमारे पास कि कंडीशनल सेंटेंस ऐसे जुमले को कहते हैं जिसमें किसी किस्म की शर्त पाई जाए। कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई शर्त पाई जाए उसे हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। देखिए, मिसाल के तौर पर अगर तुम टेस्ट पास कर लोगे तो तुम्हें नौकरी पर रख लिया जाएगा। अगर तुम टेस्ट पास कर लोगे तो तुम्हें नौकरी पर रख लिया जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए, जब हम किसी को कहते हैं कि अगर तुम टेस्ट पास कर लोगे तो तुम्हें नौकरी पर रख लिया जाएगा, तो इसका मतलब यह है कि हम सामने वाले शख्स को एक कंडीशन दे रहे हैं, एक शर्त दे रहे हैं, अगर तुम टेस्ट पास कर लोगे, यानी अगर ये शर्त पूरी हो जाती है तो फिर इस शर्त के पूरी होने की सूरत में फिर एक रिजल्ट आएगा। क्या रिजल्ट आएगा? तो मैं नौकरी पर रख लिया जाएगा। तो देखिए, जो सेंटेंस का पहला हिस्सा है इसमें हम एक शर्त बयान कर रहे हैं, तो ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई शर्त पाई जाए उसे हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। और इसकी एक और पहचान फ्रेंड ये भी होती है कि आम तौर पर ये अगर से शुरू होता है। एक दो सेंटेंसेस और हमारे पास हैं, जरा इनको भी हम देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। हम किसी को एक शर्त जो है लगा रहे हैं किसी काम के लिए, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे, यानी तुम पास हो जाओगे लेकिन एक शर्त है अगर वो पूरी हो जाए। और वो शर्त क्या है फ्रेंड? अगर तुम मेहनत करोगे, ये हमने शर्त पेश की है। इसी तरह नंबर टू सेंटेंस में देखिए, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको जरूर देता। आपके किसी दोस्त ने आपसे पैसे मांगे और आपने नहीं दिए उस वक्त, और अब वो कंप्लेन कर रहा है कि यार आपने मेरी मदद नहीं की, तो अब आप उससे कह रहे हैं कि भाई असल में ये शर्त पूरी नहीं हुई थी, अगर मेरे पास पैसे होते तो मेरे पास असल में पैसे थे ही नहीं, अगर मेरे पास पैसे होते ये शर्त पूरी हो जाती तो क्या होता, तो मैं आपको जरूर देता, तो फिर मैं आपको पैसे जरूर देता। और इसी तरीके से नंबर थ्री में देखिए, अगर वो चाहे तो आपको दाखिला मिल सकता है। किसी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन नहीं मिल रहा और वहां पर कोई शख्स है, कोई चांसलर है, वाइस चांसलर है, कोई भी शख्स जिसकी बड़ी पावर है वहां पर, तो उसके बारे में आपसे कोई शख्स कह रहा है कि अगर वो चाहे, यानी वो शख्स चाहे, उसके चाहने की अगर शर्त पूरी हो जाती है तो फिर क्या हो सकता है, तो आपको दाखला मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, क्या देखा हमने कि ऐसा सेंटेंस कि जिसमें कोई शर्त पाई जाए उसे हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। तो फ्रेंड, ये तो हुई कंडीशनल सेंटेंस की डेफिनेशन कि ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी किस्म की शर्त पाई जाए उसे हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट इसका हिस्सा क्या है कि जो कंडीशनल सेंटेंस होता है फ्रेंड, वो आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि उसके दो हिस्से होते हैं, यानी वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक हिस्सा वो कि जिसमें कोई शर्त बयान की जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर तुम टेस्ट पास कर लोगे। तो देखिए फ्रेंड, ये सेंटेंस का पहला हिस्सा है, और दूसरे हिस्से में आप देखिए तो क्या होगा, तो तुम्हें नौकरी पर रख लिया जाएगा। यानी कि हमने क्या देखा कि जो कंडीशनल सेंटेंस है असल में इसके दो हिस्से हैं, अगर तुम टेस्ट पास कर लोगे, और दूसरा हिस्सा क्या है फ्रेंड, तुम्हें नौकरी पर रख लिया जाएगा। अच्छा जी, अब फ्रेंड ध्यान में रखिएगा कि असल में ये जो दो हिस्से हैं ये दो फिक्रे हैं, और इंग्लिश में फिक्रे को हम कहते हैं क्लॉज। क्लॉज का मतलब होता है कोई भी ऐसा सेंटेंस कि जिसका अपना सब्जेक्ट हो, अपना
और अपना वर्ब हो। अच्छा, वो जो छोटा सेंटेंस है वो किसी बड़े सेंटेंस का हिस्सा भी हो सकता है। आप देखें, ये पूरा एक सेंटेंस है लेकिन इस एक सेंटेंस में दो हिस्से हैं। अगर तुम टेस्ट पास कर लोगे तो मैं नौकरी पर रख लिया जाएगा। तो इसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब है, इसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब है, तो इसे हम कहते हैं क्लॉज। अच्छा जी, अब इस सेंटेंस की दो क्लॉजेज हैं फ्रेंड। पहली क्लॉज के अंदर शर्त बयान की जा रही है और दूसरी क्लॉज के अंदर शर्त पूरी होने के सूरत में फिर जो रिजल्ट आएगा वो बयान किया जा रहा है। तो क्या मतलब हुआ फ्रेंड कि एक कंडीशनल सेंटेंस के असल में दो हिस्से होते हैं। अच्छा, अब इन दो हिस्सों में जो पहला हिस्सा होता है आमतौर पर उसे हम कहते हैं कंडीशनल क्लॉज या इफ क्लॉज। ये कौन सी क्लॉज होती है फ्रेंड? ये वो क्लॉज होती है कि जिसमें असल में शर्त बयान की जाए। अगर तुम टेस्ट पास कर लोगे, इसमें शर्त बयान की जा रही है, तो जिस हिस्से में शर्त बयान की जाए उसे हम कहते हैं कंडीशनल क्लॉज। अच्छा, इसको इफ क्लॉज भी कहते हैं। इफ क्लॉज क्यों कहते हैं फ्रेंड इसको? उसकी वजह है कि ये जो होता है कंडीशनल क्लॉज, ये आम तौर पर अगर से शुरू होता है। आमतौर पर जो कंडीशनल क्लॉज होती है ये अगर से शुरू होती है। तो चूंकि ये आमतौर पर अगर से शुरू होती है और अगर की इंग्लिश आप जानते हैं कि इफ होती है, इसी मुनासबत से इसे इफ क्लॉज भी कहते हैं। तो अब आप चाहें तो इसको इफ क्लॉज कहें, चाहें तो कंडीशनल क्लॉज कहें, दोनों सूरतों में बात एक ही होगी। और दूसरी क्लॉज को फ्रेंड हम कहते हैं मेन क्लॉज। मेन क्लॉज कौन सी क्लॉज होती है कि जिसमें इफ क्लॉज के पूरे होने के बाद का रिजल्ट बयान किया जाए। तो पहली क्लॉज को फ्रेंड हम इसका नाम यहां लिख लेते हैं, हम कहते हैं कंडीशनल क्लॉज, कंडीशनल, कंडीशनल और कंडीशनल। और साथ में फ्रेंड हम इसका दूसरा नाम भी दोनों ही लिख लेते हैं, इसको कंडीशनल क्लॉज भी कहते हैं और चाहे तो आप इसको इफ क्लॉज भी कह सकते हैं। कंडीशन क्लॉज भी कह सकते हैं फ्रेंड इसको और इफ क्लॉज भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स क्या समझे हम कि दो नाम इसके हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कंडीशन क्लॉज या इफ क्लॉज। अच्छा जी, दूसरा हिस्से को फ्रेंड मैंने जैसा कि आपको बताया इसे हम कहते हैं मेन क्लॉज। मेन क्लॉज, मेन क्लॉज क्या होती है फ्रेंड? मेन क्लॉज वो क्लॉज होती है कि जिसमें कंडीशन पूरे होने की सूरत में जो रिजल्ट आएगा वो बयान किया जाए। तो देखिए, अगर तुम टेस्ट पास कर लोगे, ये शर्त अगर पूरी कर लोगे, तो फिर एक रिजल्ट आएगा। वो रिजल्ट क्या आएगा फ्रेंड? तो तुम्हें नौकरी पर रख लिया जाएगा, ये रिजल्ट आएगा। तो जिस हिस्से में रिजल्ट बयान किया जाए उसे हम कहते हैं मेन क्लॉज। ठीक है फ्रेंड? तो क्या समझे हम लोग कि दो हिस्से होते हैं कंडीशनल सेंटेंस के, इफ क्लॉज एंड मेन क्लॉज। इफ क्लॉज वो क्लॉज होती है कि जिसमें हम शर्त बयान करते हैं, और जो मेन क्लॉज होती है फ्रेंड वो क्लॉज होती है कि जिसमें हम शर्त पूरी होने की सूरत में फिर जो रिजल्ट आएगा वो बयान करते हैं। अच्छा फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि फ्रेंड ये जो कंडीशनल सेंटेंस होता है क्या हम इसे नेगेटिव या इंटरोगेटिव में भी इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसके लिए समझने वाली बात फ्रेंड ये है, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसके दो हिस्से हैं, यानी दो क्लॉजेज हैं, एक है इफ क्लॉज और दूसरी है मेन क्लॉज। तो दोनों के लिए फ्रेंड रूल्स जो है वो थोड़े से मुख्तलिफ हैं, यानी कि इफ क्लॉज के लिए नेगेटिव या इंटरोगेटिव करने के जो रूल्स हैं वो थोड़े से अलग हैं और मेन क्लॉज के लिए थोड़े से अलग हैं। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, पहले इस सेंटेंस की इंग्लिश भी लिख लेते हैं ताकि हमें समझने में मजीद आसानी हो। तो क्या सेंटेंस है? अगर तुम टेस्ट पास कर लोगे, हम लिख लेते हैं यहां पर इफ, इफ यू पास, इफ यू पास द टेस्ट, If you pass the test, you will be employed. You'll be employed. तो फ्रेंड हमने इसकी इंग्लिश भी लिख ली, इफ यू पास द टेस्ट यू विल बी एम्प्लॉयड। अगर तुम टेस्ट पास कर लोगे तो तुम्हें नौकरी पर रख लिया जाएगा। अच्छा फ्रेंड, जैसा कि हमने देख लिया कि पहली क्लास को जिसमें इफ होता है इसे हम इफ क्लॉज या कंडीशन क्लास कहते हैं और दूसरी को हम मेन क्लास कहते हैं। अच्छा, अब पहले हम इफ क्लास को डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड ध्यान में रखिएगा कि जो आपकी इफ क्लॉज है इसे आप सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव में जो है वो चेंज कर सकते हैं, इसको आप इंटरोगेटिव में चेंज नहीं कर सकते। यानी कि इफ क्लॉज जो है इसे आप, इसको आप सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव में तब्दील कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको नेगेटिव कर लें, लेकिन जो मेन क्लॉज है फ्रेंड
यू विल बी एम्प्लॉयड, या जो भी सेंटेंस होगा उसे आप चाहें तो नेगेटिव में यूज करें, चाहें तो इंटरोगेटिव में यूज करें, और अफर्मेटिव में तो हमने यूज इसको कर ही लिया, यानी कि ये क्लॉज जो है ये नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, यानी कि जो है इफ क्लॉज उसे हम सिर्फ या तो अफर्मेटिव में रख सकते हैं या नेगेटिव में रख सकते हैं, इंटरोगेटिव में इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जो है मेन क्लॉज जिसमें रिजल्ट बयान किया जाएगा वो चाहे तो अफर्मेटिव में यूज करें, चाहे तो आप नेगेटिव में यूज करें, और चाहे तो आप इसको इंटरोगेटिव में यूज करें, चाहे तो इंटरोगेटिव नेगेटिव में यूज करें, ये तीनों ही चारों ही शक्लों में इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन ये या अफर्मेटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी, इंटरोगेटिव में आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गया कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब रूल्स क्या होंगे इसके लिए, जब हमें इसको नेगेटिव करना होगा या इंटरोगेटिव करना होगा तो क्या कुछ स्पेशल रूल्स हैं, या कि जो हम पहले रूल्स पढ़ चुके हैं इन स्ट्रक्चर्स के वही अप्लाई होंगे। तो फ्रेंड्स वेरी सिंपल कि जब भी आप इनको नेगेटिव करना चाहेंगे या नेगेटिव इंटरोगेटिव करना चाहेंगे तो इसके लिए कोई अलग से स्पेशल रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते हैं, वही रूल्स के जो उस स्ट्रक्चर के आपने पहले से सीख रखे हैं वही रूल्स यहां पर भी अप्लाई होंगे। यानी कि अगर ये सेंटेंस यहां पर कंटिन्यूअस का है और आप नेगेटिव करना चाह रहे हैं तो कंटिन्यूअस के उसूल पर नेगेटिव हो जाएगा, अगर ये परफेक्ट का है तो परफेक्ट के उसूल पर नेगेटिव हो जाएगा, अगर ये मिसाल के तौर पर इंडिफिनिट का है तो इंडिफिनिट के उसूल पर नेगेटिव हो जाएगा। कोई भी सेंटेंस जिस रूल्स पर आपने देखा होगा वो बना हुआ है, जो स्ट्रक्चर है उसके जो भी रूल्स होंगे उन्हीं पर आप उसको नेगेटिव या इंटरोगेटिव जैसी भी जरूरत होगी आप उसमें चेंज कर देंगे। मिसाल के तौर पर फ्रेंड ये सेंटेंस हमारे पास यहां है, इफ यू पास द टेस्ट। अब अगर आप गौर करें तो ये सेंटेंस यहां पर असल में प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो रूल्स हैं उन पर बना हुआ है, यानी कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो हम इसे नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं। तो अब अगर नेगेटिव में चेंज करना चाहें तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स पर नेगेटिव में चेंज करेंगे, दूसरे कोई अलग से रूल्स इस पर अप्लाई नहीं करेंगे। अगर आपने कुछ और रूल्स अप्लाई कर दिए तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो क्या सेंटेंस हो जाएगा फ्रेंड ये नेगेटिव में चेंज होने के बाद, यह है इफ यू पास द टेस्ट, तो नेगेटिव में ही हो जाएगा इफ यू डोंट पास द टेस्ट। If you don't pass the test, अगर आपने टेस्ट पास नहीं किया या अगर आप टेस्ट पास नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, you will be employed, तो आपको नौकरी पर रख लिया जाएगा या you will not be employed, जैसे भी सेंटेंस होता है। तो फ्रेंड ये देखिए, ये चूंकि सेंटेंस जो है ये इंडिफिनिट का है तो हमें इंडिफिनिट के उसूल पर इसको नेगेटिव कर देंगे, और जो भी सेंटेंस जिस उसका होगा टेंस का होगा जिस स्ट्रक्चर का होगा उसी के उसूलों पर हम उसको नेगेटिव में चेंज करेंगे। अब आ जाइए मेन क्लॉज पर, तो मेन क्लॉज भी ऐसे ही है, जिस टेंस का वो सेंटेंस होगा आप उसी सेंटेंस के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उन्हीं पर उसको नेगेटिव या इंटरोगेटिव में चेंज कर देंगे। अब ये सेंटेंस देखिए, यू विल बी एम्प्लॉयड, ये भी जो है सेंटेंस वो फ्यूचर इंडेफिनिट का है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट ही के उसूल पर हम इसको अगर चाहेंगे तो नेगेटिव में चेंज कर देंगे। यू विल बी एम्प्लॉयड हम नेगेटिव करना चाह रहे हैं, यू विल नॉट बी एम्प्लॉयड नेगेटिव इस तरह हो जाएगा। और फ्रेंड चूंकि हम इसको इंटरोगेटिव में भी चेंज कर सकते हैं यानी सवाल भी बना सकते हैं इसका, तो हम चाहें तो विल को सब्जेक्ट से पहले लाके इसको इंटरोगेटिव में भी चेंज कर सकते हैं। ये हो जाएगा विल यू बी एम्प्लॉयड, इफ यू पास द टेस्ट विल यू बी एम्प्लॉयड, अगर आप टेस्ट पास कर लोगे तो क्या आपको नौकरी पर रख लिया जाएगा। तो फ्रेंड इस तरीके से हम इसको नेगेटिव इंटरोगेटिव में भी चेंज कर सकते हैं, और जिन टेंसेस के उसूलों पर ये बने होंगे उन्हीं टेंसेस के जो रूल्स रेगुलेशन है उन्हीं पर इनको नेगेटिव या इंटरोगेटिव में हम चेंज कर देंगे। अच्छा फ्रेंड अब अगली चीज समझिएगा कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं आया इनको हमने एक्टिव वॉइस में बनाना है या पैसिव वॉइस में बनाना है, यानी कि जो कंडीशनल सेंटेंस है वो एक्टिव में यूज होगा या पैसिव में यूज होगा, या फिर दो क्लॉजेज हैं इसकी इफ क्लॉज और मेन क्लॉज, तो कहीं ऐसी तो कोई शर्त नहीं है कि ये जिस तरह के नेगेटिव में हो सकता है इंटरोगेटिव में नहीं हो सकता, तो फिर पैसिव वॉइस में कोई शर्त तो नहीं है कि ये पैसिव में हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो सुन लीजिए फ्रेंड कि जो कंडीशनल सेंटेंस है उसकी दोनों क्लॉजेस इफ क्लॉज और मेन क्लॉज आप जिस वॉइस में चाहे इसको यूज कर सकते हैं, चाहे तो दोनों एक्टिव में हो सकते हैं, चाहे तो दोनों को पैसिव में यूज करें, चाहे तो जो इफ क्लॉज है उसको आप एक्टिव कर दें और मेन क्लॉज को पैसिव कर दें, चाहे तो इफ क्लॉज को पैसिव कर दें और मेन क्लॉज को एक्टिव कर दें, जिस तरह भी आपको जरूरत महसूस हो आप वैसे इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर भी आपने नोट कर लिया होगा कि जो हमारे पास दो पहली क्लॉज है यानी इफ क्लॉज वो देखिए वो एक्टिव वॉइस में बनी हुई है, इफ यू पास द टेस्ट तो ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर आप जो मेन क्लॉज है उस पर गौर करें तो जो मेन क्लॉज है वो एक्टिव में नहीं है बल्कि वो पैसिव में है, यू विल बी एम्प्लॉयड ये फ्यूचर इंडिफिनिट का पैसिव है। तो हमने क्या देखा कि ये हमने बनाया है एक्टिव में और दूसरी जो मेन क्लॉज है वो
पैसे में आ गई है। तो इसलिए आप समझ लीजिए कि कोई शर्त नहीं है, कोई भी क्लॉज किसी भी वॉइस में हो सकती है, ये एक्टिव में, ये पैसे में भी हो सकती है, ये पैसे में, ये भी एक्टिव में हो सकती है, दोनों एक्टिव में हो सकती है और दोनों भी पैसे में हो सकती हैं। ठीक है फ्रेंड, तो कोई इसके लिए रूल्स नहीं है कि कोई कौन सी एक्टिव में होगी और कौन सी पैसे में होगी। अच्छा, एक और चीज समझिएगा, और वो ये कि ये भी थोड़ी सी कंफ्यूजन पैदा हो सकती है कि हम इफ क्लॉज को आमतौर पर, इफ क्लॉज पहले आती है क्योंकि उर्दू में बोलते वक्त भी हम इफ क्लॉज जो होती है वो आमतौर पर पहले लगाते हैं और मेन क्लॉज बाद में आती है। लेकिन अच्छी तरह ज़हन में बिठा लें फ्रेंड कि ऐसी कोई भी पाबंदी आप पर नहीं है कि आपने इफ क्लॉज पहले यूज करनी है और मेन क्लॉज को बाद में यूज करना है। आपकी अपनी मर्जी है, आपकी ख्वाहिश है, आपको जैसा कंफर्टेबल फील हो आप वैसे कर सकते हैं। चाहे तो इफ क्लॉज को पहले बोलें और मेन क्लॉज को बाद में बोलें, चाहे तो मेन क्लॉज को पहले ले आए, इफ क्लॉज को बाद में ले आए। लिखते वक्त भी और बोलते वक्त भी दोनों जो है सिचुएशन में आप जैसा आपको मुनासिब लगे आप वैसे कर सकते हैं, चाहे तो इफ पहले ले आए, चाहे तो मेन क्लॉज पहले ले आए। लेकिन एक छोटी सी बात का आपने ध्यान रखना है, और वो ध्यान क्या रखना है, आपने गौर किया होगा कि यहां पर मैंने एक इफ क्लॉज के बाद जहां पर मेन क्लॉज शुरू हो रही है वहां पर मैंने एक कॉमा इस्तेमाल किया हुआ है। आप देख सकते हैं ये टेस्ट के बाद मैंने कॉमा इस्तेमाल किया है। तो जहन में रखिएगा कि जब हम इफ क्लॉज पहले बोलते हैं और फिर उसके बाद मेन क्लॉज बोलते हैं तो दोनों के बीच में थोड़ा सा हमें तवक्कुफ करना होता है, थोड़ा सा हमें वक्फा देना होता है, थोड़ा रुकना होता है, थोड़ा पॉज करना होता है। यानी किस तरह से होता है, हम यूं कहते हैं इफ यू पास द टेस्ट यू विल बी एम्प्लॉयड, इफ यू पास द टेस्ट यू विल बी एम्प्लॉयड। तो देखें फ्रेंड, जब मैं कहता हूं इफ यू पास द टेस्ट तो उसके बाद यहां पर थोड़ा सा रुकना होता है, यानी एक सेकंड के आधे का भी आधा इतना यहां पर माफ कीजिएगा फ्रेंड्स, इतना थोड़ा यहां पर बहरहाल आपको रुकना पड़ता है। तो चूंकि बोलने में तो हम रुक जाएंगे लेकिन लिखत में जब हम इसको रिटेन में लेकर आते हैं तो वहां फिर हमें क्या करना पड़ता है, ये शो करने के लिए कि यहां पर थोड़ा सा रुकना है, यहां पर थोड़ा सा तवक्कुफ है, हम यहां पर कॉमा लगाते हैं। तो कॉमे का मतलब ही ये होता है कि यहां पर थोड़ा सा आपको रुकना है। If you pass the test, you will be employed. लेकिन अगर आप चाहें तो मेन क्लॉज को पहले ले आए और इफ क्लॉज को बाद में ले जाए। अच्छा, जब मेन क्लॉज पहले आ जाएगी और इफ क्लॉज बाद में चली जाएगी तो फिर ये ना तो आपको इन दोनों के बीच में रुकने की जरूरत है और ना ही यहां पर कॉमा लगाने की जरूरत है। मेरे ख्याल में हम लिख भी लेते हैं ताकि मजीद हमें ये आसानी हो जाए। मिसाल के तौर पर हम इसको पहले ले आते हैं मेन क्लॉज को, यू विल बी एम्प्लॉयड, You will be employed, friends. You will be employed. अब main class जो है if class शुरू हो रही है तो देखिए अब जैसा कि हमने if class के आखिर में यहां पर comma लगाया, आप देख सकते हैं comma लगा हुआ है यहां पर, लेकिन अब हम चूंकि main class को पहले ले आए हैं you will be employed, हमने शुरू में कर दिया you will be employed, तो अब हमें इसके एंड में कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि कॉमे के बजाय हम यहां पर कंटिन्यूसली जो अगला हिस्सा है इस सेंटेंस का यानी कि इफ क्लॉज वो शुरू कर देंगे। कैसे, देखिए जरा, इफ यू पास द टेस्ट, इफ यू पास द टेस्ट, If you pass the test, यानी कि अब हो गया you will be employed if you pass the test. अच्छा friend, यहां पर कोई कॉमा हमने नहीं लगाया, कॉमा क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जब हम मेन क्लास पहले बोलते हैं और इफ क्लास को बाद में बोलते हैं तो फिर इन दोनों के बीच में रुकना नहीं होता, फिर हमें ये लगातार बोलते चले जाना होता है। जैसा कि हम यहां पर रुक रहे थे, इफ यू पास द टेस्ट यू विल बी एम्प्लॉयड, इफ यू पास द टेस्ट यू विल बी एम्प्लॉयड, देखें दोनों के बीच में थोड़ा सा पॉज आ रहा है, थोड़ा सा ब्रेक आ रहा है, थोड़ा सा रुक रहे हैं हम, इफ यू पास द टेस्ट यू विल बी एम्प्लॉयड। लेकिन जब हम मेन क्लास को पहले लेंगे तो फिर हमें यहां पर रुकना नहीं है, यू विल बी एम्प्लॉयड इफ यू पास द टेस्ट, यू विल बी एम्प्लॉयड इफ यू पास द टेस्ट, यू विल बी एम्प्लॉयड इफ यू पास द टेस्ट, नहीं ऐसे नहीं बोलना है, रुकना नहीं है यहां पर, यू विल बी एम्प्लॉयड इफ यू पास द टेस्ट, यानी कि कंटिन्यूसली मेन क्लास और फौरन उसके बाद इफ क्लास हमें बोल देनी है। तो चूंकि हमें यहां पर रुकना ही नहीं है तो यहां पर अगर हम कॉमा लगा देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि रुकना है, तो कॉमा हमें लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहां पर ना हमें रुकना है और ना हमें रुकने का साइन यहां पर देना है। तो सेंटेंस किस तरह होगा, यू विल बी एम्प्लॉयड इफ यू पास द टेस्ट, डिफरेंस दोनों में देखिए फ्रेंड, इफ यू पास द टेस्ट यू विल बी एम्प्लॉयड, इफ यू पास द टेस्ट यू विल बी एम्प्लॉयड, यू विल बी एम्प्लॉयड इफ यू पास द टेस्ट, यहां पर रुकने की जरूरत नहीं है। तो क्या समझे फ्रेंड हम, कि कोई भी क्लॉज आप पहले लगाएं ये आपकी अपनी मर्जी है, चाहे तो इफ क्लॉज पहले यूज करें, चाहे तो मेन क्लॉज पहले यूज करें, कोई पाबंदी नहीं है आपके ऊपर। अलबत्ता
इफ क्लास पहले आएगी तो मेन क्लास और के इन दोनों के बीच में थोड़ा सा आपको ब्रेक देना पड़ेगा, लेकिन अगर मेन क्लास पहले ले आए और इफ क्लास बाद में चलेगी तो फिर ब्रेक देने की जरूरत नहीं है, फिर आप लगातार बोलिए। फ्रेंड्स यहां तक भी ये समझ आ गया हमें कि कौन सी क्लास पहले लानी है। अब एक बहुत ही अहम, सबसे अहम चीज, अहम इस हवाले से कि सबसे ज्यादा मिस्टेक्स जो लोग करते हैं वो इस पॉइंट में करते हैं जो पॉइंट में अभी आपको बताने जा रहा हूं। लिहाजा फ्रेंड इस पॉइंट को जो मैं अभी आपको बता रहा हूं इसको आपने अपने पास लिख लेना है, बल्कि अगर हो सके तो किसी कागज पर लिख कर अपने घर की किसी मेन जगह पर जहां पर आपकी बार बार निगाह पड़ती हो वहां पर लिख कर लगा लें हफ्ते 10 दिन 15 दिन के लिए, ताकि ये चीज आपके दिमाग में अच्छी तरह से घुस जाए। बहुत अहम चीज है। और वो अहम चीज क्या है फ्रेंड, वो अहम चीज ये है कि जब हम कंडीशनल सेंटेंस बनाते हैं तो कंडीशनल सेंटेंस, जाहिर सी बात है सेंटेंस हम बनाएंगे तो वो प्रेजेंट में भी होगा, पास्ट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। तो फ्रेंड यहां पर एक छोटी सी शर्त है और वो शर्त ये है, पाबंदी बल्कि कहेंगे पाबंदी ये है कि जो इफ क्लॉज होती है उसे हम आमतौर पर इसलिए कि एक आध केसेस को जिस तरह के भी है कि जहां पर ऐसा हो सकता है, लेकिन आमतौर पर 99% केसेस में 99% जो है सेंटेंस के रूल्स यही है कि जो इफ क्लॉज होती है उसमें आप प्रेजेंट टेंस भी यूज कर सकते हैं, पास्ट टेंस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड जो इफ क्लॉज है इसमें फ्यूचर टेंस कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। फिर सुनिए, जो इफ क्लॉज है, उर्दू की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, इंग्लिश की बात कर रहा हूं, सॉरी उर्दू की बात नहीं कर रहा, उर्दू में तो देखें ना, अगर तुम टेस्ट पास कर लोगे कोई भी स्ट्रक्चर इस्तेमाल हो सकता है। जब इंग्लिश में आप इफ क्लॉज बनाएंगे तो इंग्लिश में इफ क्लॉज में कभी भी फ्यूचर टेंस इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। यानी आसान अल्फाज में ये सुन ले आप कि विल या वुड का इस्तेमाल जो है वो इफ क्लॉज में 99% केसेस में हराम है, आपने नहीं करना। अच्छा जी, यहां पर भी थोड़ा सा गौर कीजिए, हमारे पास जो सेंटेंस लिखा हुआ है अगर तुम टेस्ट पास कर लोगे, देखिए फ्यूचर का ही है, ये फ्यूचर इंडिफिनिट का सेंटेंस है, और आपने हो सकता है बहुत सौ ने पहले से ही नोट कर लिया हो कि हमने जो सेंटेंस यहां पर बनाया है वो फ्यूचर इंडिफिनिट का नहीं है। हो सकता है आपके जहन में ये आया हो कि शायद मैंने बाय मिस्टेक जो है इसको इस तरह से बना दिया। नहीं फ्रेंड, ये मैंने बाय मिस्टेक नहीं बनाया, ये डेलिबरेटली बनाया, क्योंकि मुझे पता है कि जो इफ क्लॉज है वो हम इंग्लिश में फ्यूचर में नहीं बना सकते। यही वजह है कि मैंने इसको फ्यूचर में बनाने के बजाय इसको प्रेजेंट में बनाया है, यानी कि ये फ्यूचर इंडिफिनिट है, मैं उसको यहां पर लाकर मैंने इसको प्रेजेंट इंडिफिनिट में चेंज कर दिया है। तो फ्रेंड्स क्या मैंने रूल बताया आपको कि जो इफ क्लॉज है उसमें कभी भी फ्यूचर टेंस इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं यहां लिख देता हूं चलें आप, ताकि फ्यूचर टेंस इस तरह से मैं लिख देता हूं, और इसके आगे फ्रेंड मैं आगे निशान लगा रहा हूं क्रॉस का। क्रॉस का मतलब यह हुआ कि इफ क्लॉज में कभी भी हमने जो है वो इफ क्लॉज में हमें कभी भी फ्यूचर टेंस इस्तेमाल नहीं करना है। अच्छा जी, अब फ्यूचर टेंस अगर इस्तेमाल नहीं करना है तो बात तो फ्यूचर में करनी पड़ेगी हमें, कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होंगे जो फ्यूचर में होंगे जैसा कि ये हमने बनाया है, तो अब अगर फ्यूचर के इस्तेमाल पर पाबंदी लग गई है और हमें बात फ्यूचर में करनी है तो फिर करेंगे क्या फ्रेंड, तो करेंगे वही जो मैंने यहां पर किया है। मैंने क्या किया आप गौर कीजिए, मैंने किया ये है कि फ्यूचर इंडिफिनिट को मैं उठाकर ले आया हूं प्रेजेंट इंडिफिनिट में, फ्यूचर इंडिफिनिट प्रेजेंट इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो मतलब ये वो फ्रेंड कि जो भी सेंटेंस आपका होगा आप उसको फ्यूचर से प्रेजेंट में शिफ्ट कर देंगे। जाहिर है जो सेंटेंस फ्यूचर में जिस स्ट्रक्चर का होगा वही स्ट्रक्चर प्रेजेंट में भी तो होता होगा ना, तो आपने करना क्या है कि स्ट्रक्चर सेम रहने देना है, टेंस उसका प्रेजेंट कर देना है। मिसाल के तौर पर मैंने फ्यूचर इंडिफिनिट को कर दिया प्रेजेंट इंडिफिनिट में, तो अगर ये फ्यूचर कंटिन्यूस होता तो ये हो जाता प्रेजेंट कंटिन्यूस, अगर ये होता फ्यूचर परफेक्ट तो ये हो जाता प्रेजेंट परफेक्ट, अगर ये होता फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस तो होता प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, अगर ये फ्यूचर में टू बी का यूसेज होता यानी इज एम आर सॉरी विल बी का, तो विल बी की जगह यहां पर मैं इज एम आर इस्तेमाल कर देता। यानी कि जो भी स्ट्रक्चर है फ्रेंड जो फ्यूचर में है, आपने उर्दू में अगर वो फ्यूचर में है तो इंग्लिश में मीनिंग ही फ्यूचर की ही देगा, ध्यान में रखिएगा, मतलब इसका वही होगा जो यहां पर है, मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहां पर हम इसको उठाकर प्रेजेंट में ले आएंगे। यानी कि अगर तुम टेस्ट पास कर लोगे, इफ यू पास द टेस्ट, अगर तुम टेस्ट पास कर रहे होगे फ्यूचर कंटिन्यूस, इफ यू आर पासिंग द टेस्ट, हमने इसको प्रेजेंट में कर दिया, अगर तुम टेस्ट पास कर चुके होगे, इफ यू विल हैव पास द टेस्ट, नहीं ऐसे नहीं बोलना है, इफ यू विल हैव पास द टेस्ट गलत हो जाएगा, इफ यू हैव पास द टेस्ट यानी फ्यूचर परफेक्ट की जगह हम लेकर आ गए
प्रेजेंट परफेक्ट। और इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर यह होता है, अगर तुम टेस्ट पास करते रहे होगे, इफ यू विल हैव बीन पासिंग द टेस्ट, नहीं यहां पर लेकर आ जाएंगे, विल लगाएंगे हम, इफ यू हैव बीन पासिंग द टेस्ट, यानी कि हम जब इसको लेकर आए इफ क्लास को यहां पर, तो हमने इसको चेंज कर दिया प्रेजेंट में। तो अच्छी तरह फ्रेंड ध्यान में रखिएगा कि जो होगी इफ क्लॉज वो फ्यूचर में आपने हरगिज 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 इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि मैं देखता हूं ये मिस्टेक बहुत कॉमन है। अक्सर लोग जब इंग्लिश बोल रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, मैंने मुख्तलिफ दफातर में देखा, अच्छे खासे ऑफिसर्स जो होते हैं वो जब सेंटेंसेस बना रहे होते हैं इफ के, तो वो उसमें बेदुरेग जो है वो विल का और वुड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो कि ग्रामेटिकली बिल्कुल गलत है। तो ध्यान रखना है आपने कि जब भी आप इफ क्लॉज के सेंटेंसेस बोलेंगे तो इफ क्लॉज में आपने फ्यूचर टेंस को इस्तेमाल नहीं करना, जो भी फ्यूचर होगा आप उसे उठा करके प्रेजेंट में ले आएंगे, सेंस वो आपको फ्यूचर का ही देगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको जो इंट्रोडक्शन है कंडीशनल सेंटेंस का वो हासिल हो गया होगा। आगे चल के जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम जब इसको पढ़ेंगे तो इसमें आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें जो है वो पढ़ने को मिलेंगी, क्योंकि इसमें जो सेंटेंसेस होते हैं वो दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक को हम कहते हैं ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर और दूसरे को हम कहते हैं स्पेशल स्ट्रक्चर, यानी कि स्पेशल ग्रामर, स्पेशल स्ट्रक्चर, जो भी आप उसको नाम देना चाहें। तो जो स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं फ्रेंड वो बड़े मजे के होते हैं, मजे के इसलिए होते हैं कि उसमें हम बात कर रहे होते हैं फ्यूचर की, लेकिन जो सेंटेंस है वो इस्तेमाल, जो स्ट्रक्चर होता है वो हम इस्तेमाल कर लेते हैं उसके लिए पास्ट का, बात हो रही है फ्यूचर की, स्ट्रक्चर हम यूज कर लेते हैं पास्ट का। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूं, बाकी जब हम इसका अपना पॉइंट आएगा तो वहां पर समझेंगे। मसलन अगर हम स्पेशल स्ट्रक्चर में कहते हैं कि अगर मैं कराची जाऊंगा, अगर मैं कराची जाऊंगा, या अगर मैं कराची गया, अब अगर मैं कराची गया तो आपके लिए डिक्शनरी लेकर आऊंगा, अगर मैं कराची गया तो आपके लिए डिक्शनरी लेकर आऊंगा, या अगर मैं कराची जाऊंगा तो आपके लिए डिक्शनरी लेकर आऊंगा। तो फ्रेंड देखिए, अगर मैं कराची जाऊंगा तो ये फ्यूचर है, लेकिन जब हम इसे अनरियल सिचुएशन में बनाते हैं स्पेशल टेंस में तो ये कुछ इस तरह से होता है कि इफ आई वेंट टू कराची, अब यकीन कंफ्यूज हो रहे होंगे, इफ आई वेंट टू कराची, वेंट टू कराची ये पास्ट इंडेफिनिट का फ्रेंड स्ट्रक्चर है, बात में कर रहा हूं फ्यूचर की, बजाय ये कहने के कि इफ आई विल गो टू कराची, विल तो वैसे ममनू है, इफ आई गो टू कराची तो वेरल होना चाहिए था ना, लेकिन इफ आई गो टू कराची भी नहीं है, ये हो जाएगा इफ आई वेंट टू कराची, इफ आई वेंट टू कराची, अगर मैं कराची जाऊंगा, यानी बात हो रही है फ्यूचर की, स्ट्रक्चर है पास्ट का। लेकिन ये कैसे होता है, इसके लिए क्या शरायत होती है, कब हमें जो है इफ आई गो टू कराची कहना है और कब हमें इफ आई वेंट टू कराची कहना है, यानी कब हमें उसके लिए आने वाले वक्त के लिए फ्यूचर का स्ट्रक्चर, यानी कि उसको प्रेजेंट में लाकर प्रेजेंट का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है, और कब हमें उसके लिए पास्ट का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है, इसके फ्रेंड्स अपने रूल्स रेगुलेशन है, वो मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा आने वाली वीडियोस में, आपने उनको बड़े ध्यान से समझना है, और फिर उस सिचुएशन के हिसाब से जब आप इसको यूज करेंगे तो आपको यकीनन बहुत मजा आएगा और आपकी इंग्लिश जो है बड़ी खूबसूरत हो जाएगी। फ्रेंड्स यहां तक हमारा आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप पुराने यूजर हैं तो यकीनन आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर आप नए यूजर हैं, आज फर्स्ट टाइम आपने मेरी वीडियो देखी है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और ना सिर्फ खुद सब्सक्राइब करेंगे बल्कि अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी सब्सक्राइब करेंगे। फ्रेंड्स फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सलमान खट्टर को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।